नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शको, हकीम साहब के आदेश अनुसार जिस तरह से एक मुहिम की शुरुआत की जा रही है, हम मिलने आ रहे हैं आपके घर, आपकी सेहत का हाल जानने। तो आज भी सेहत और जिंदगी की पूरी टीम पहुंची है पानसरा गांव में, जो हरियाणा के पास पड़ता है। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए, अपनी सेहत का हाल बताने के लिए मौजूद हैं कमलेश जी। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं, खास बातचीत उनसे करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्कार जी। मैम आपकी उम्र कितनी है, आपके घर में कौन कौन है? मेरी उम्र मैम 55 साल हो गई। घर में दो बेटे हैं, दो बुआ और जी एक पोता एक पोती। ठीक है। हस्बैंड हम दोनों। ठीक है। वो सब क्या करते हैं? खेती का काम है मैम घर वाले का। ठीक है। बेटे एक खेती में एक बैंक में लग रहा। तो हकीम साहब से आप कैसे जुड़े? बस वैसे टीवी देखते देखते वैसे आने की मतलब चैनल लग गया। तो मैंने देखा मखा अच्छी अच्छी मतलब दवाइयाँ कुछ बता रहे, घर का रसोई का सामान ही बता रहे। तो जी जी। तो उसी दिन ते मतलब मैं जुड़ गई। लगभग कितने महीने से या कितने साल से? 2 साल हो गए मैम। 2 साल हो गए। हाँ जी, 2 साल हो गए। आपको क्या परेशानी थी और आपने हकीम साहब के कौन से नुस्खे अपनाए, कौन सी दवाइयाँ खाई? मैंने मैम कमर की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। तो कमर में दर्द रह कर था, कोई कहा करा था मणके रे, कोई कुछ बोल ले करा था। जिस पर डॉक्टर पे जाकर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा मतलब जिस पे मैं गई ना हूँ। तो मैंने सोचा मखा चल जी ये इतनी दवाइयाँ बता रहे, मखा मैं भी देखूँ। बिल्कुल। फ़ोन करके फिर मैंने फ़ोन मिलाया, मैंने शुगर भी है मैम, फिर मैंने शुगर के बारे में पूछा, उन्होंने फिर कहा भी डी केयर कैप्सूल हैं। कमर की दिक्कत के बारे में फिर मैंने पूछा उनको डॉक्टर से, मतलब सुलेमान की जो कंपनी के वहाँ से फ़ोन किया, तो कह रहे भी इसकी गोंसिया ले आप। फिर मेरे घर वाला मतलब बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, वजन उठाने थे। फिर मैंने इनके बारे में पूछा, उन्होंने कहा गोंसिया दे इसको। फिर मैंने इनको भी गोंसिया दिया मैम, बिल्कुल ठीक हो गए थे 3-4 महीने में। अच्छा। काम करने लग गए उसी तरह, मतलब काम लग गए थे करण। सर की उम्र कितनी होगी? इनकी भी इतनी होगी 56-57 साल। जी जी जी। तो हकीम साहब से जुड़ के अब आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। मैं तो सबको बताऊं मैम ये दवाइयाँ भी घरेलू नुस्खे जी, और सबसे बताऊं, कोई तो कैसी बात करा, मैं तो सिर्फ दवाइयों की ही बात करूं, सबके साथ ही दवाइयों की बात करूं भी। एक तो ये 6 चीज़ों का पाउडर मतलब अपने घर में होना चाहिए। जी जी। कितनी मतलब बीमारियाँ कटाइन थे। अच्छा, वो 6 चीज़ें आपको याद हो तो हमारे दर्शकों को बता दीजिए, कौन सी वो 6 चीज़ों का नुस्खा आप बनाती हैं घर में? हाँ जी जी, एक तो धनिया है जी। ठीक है। धनिया, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, एक मेथी, इनका पाउडर बना का मतलब हर एक औरत ने अपने घर में मतलब बना कर रखना चाहिए ये। बिल्कुल। क्योंकि पेट की पता नहीं कितनी बीमारियाँ इससे कटा। इब तक तो मतलब इन्हें सब्जी में घेरे कर थे जी जी, और कंजूसी करा कर थे घेरने में भी। तो इब जीते सुलेमान थे जुड़े मतलब उस दिन तो मैंने बहुत ज़्यादा घेरना भी, खाना भी शुरू करा। सौंफ पका का कहीं पानी लेना उनका, उसमें जो तेजाब बनती है जी जी जी, उसमें बताते हैं सुलेमान खान, तो वो भी मैं पीऊँ, अपने घर वाले को भी दूँ, बच्चों को भी दे दूँ कई बार। बड़े लड़के को कई बार पथरी पुथरी का दिक्कत हो, उस ते में मैं जतुन का सिरका खुद भी ले रही, लड़के थे भी दे दूँ कई बार जी। तो लगभग कितने लोग आपसे जुड़ गए हैं, कितने लोगों तक आपने हकीम साहब की दवाइयाँ पहुँचा दी हैं? मेरे ख्याल से मेरे साथ जुड़े हम मैम 50 तो लगभग होंगे। 50 लोग? हाँ जी। एक तो गठिया बह, एक का तो मैम पीछे गली में। तो एक दिन वो यहाँ से जा रही थी, चलिए मैंने कहा मगर बहुत दिनों में दिखी, कह रही मेरे को ना गठिया बह कहा, और मैं सारी दुनिया में घूम ली मेरे को आराम नहीं आ। जी जी जी। फिर मैंने कहा मगर आराम नहीं लगे नु का नाम, मैंने आराम नहीं लगे नु कहा। फिर मैंने कहा उसको भाई तो एक दवाई और खा के देख, कह रही कौन सी है, मगर गोंसिया और अलसी में लेके देख उसको। फिर कह रही मैं अपनी सास से पूछ के फिर बताऊंगी कहा। जी जी। फिर उसकी सास आई, उसकी सास ने कहा भी मैं अपने लड़के से पूछ लूँ, चलो देखती हूँ मैं मंगवाती हूँ कहा, फिर मैं मंगवाऊंगी दवाई कहा। मैंने कहा एक बार खा के तो देख। बिल्कुल। फिर उसने घर वाले थे मतलब अपने लड़के से पूछा उसकी सास ने,
फिर वो आई अगले दिन, वो कह रही कहा अभी दवाई मंगवा दे, बस ऑर्डर करवा दे मेरी अभी अभी। फिर मैंने वहाँ ऑर्डर करी दवाई, आर के कैप्सूल और गोंसिया। जी 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 मैम उसने उसका हाथ ना इतना भी जा जा पावा था इतना, अरे वो सिर वाले अच्छा जूड़ी भी कर ले पीछे, इतना आराम हो गया। कह रही मैंने तो कोई भगवान ही मिल गया, घर भी गई फिर मैं उसके पूछने, तो कह रही मैंने तो कोई भगवान ही मिल गया। कहा कितना अच्छा लगता है कमलेश जी जब आप और लोगों तक नुस्खे पहुंचाती हैं, उन लोगों को आराम मिल जाता है, फिर वो लोग आपसे कहते हैं कि अरे आपने जो दवाई बताई, जो नुस्खा बताया, उससे तो हमें बहुत आराम मिल गया, तो वो खुशी कैसी होती है अंदर से? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी, बहुत। मैं तो हृदय तय मतलब नमस्कार करूँ हृदय तय, मतलब सुलेमान खान जी का हृदय तय, मतलब ये कहूँ भी धन्यवाद उसको, इतना भी इतना कुछ दुनिया ने दे रहे। एक एक ने दिक्कत थी मैम, उसका पेट नहीं साफ हुआ था जी, ही किराए पर रहा हुआ, वो मेरे पास ही मतलब रहा ही, काम कुम कर जा मेरे लाए, तो मैंने उससे फिर 6 चीज़ों का पाउडर दिया बना के, उसमें नमक जैतून भी मिलाया मैंने। जी जी तो तीसरे दिन आई वो, कह रही बहुत अच्छी दवाई दी, कहा मैंने तो कहा आराम आएगा इससे, मैं कह आराम लगे नु, कहा हाँ मेरा तो पेट साफ हुआ है। 15 साल पुरानी बीमारी बताई थी मैम वो अपनी, जी 15 साल पुरानी, और वो 3 दिन में ही मतलब देख कितनी एकदम से ही आराम लग गया उसने। तो आपको कैसा लगता है जब आप खुद नुस्खे अपना चुकी हैं और जब आप और लोगों तक नुस्खे पहुंचाती हैं, क्योंकि कमलेश जी आप भी बहुत अच्छे से ये जानती हैं कि लोग क्या जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं, उनको लगता है पता नहीं ये क्यों बता रही हैं, क्या उनका कोई प्रचार प्रसार तो करने नहीं लगी हैं ये, तो आप लोगों को ये विश्वास कैसे दिलाती हैं कि वो हकीम साहब ने वो नुस्खा बताया है, आप भी आजमा के देखिए, आप ठीक ज़रूर हो जाएंगे? नहीं मतलब जी मैं कह दूँ भी मेरा घर वाला देख कितना बीमार था, जी जी बैठा भी नहीं जाता, इसने कार में लेकर जाते मैम खेत में, कार में ही लिटे आ रहा वहाँ से, खेत में भी पड़ा के रखा करते तकिए नीचे दे दे के, इतनी बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा तंग हालत थी। मैं कह जी भी इन्होंने राम होया तो आपने क्यों नहीं राम होगा? बिल्कुल उन तो ये विश्वास दिलाऊँ। फिर वो मतलब कोई जतून का सिरका ले, मेरे पड़ोस में बहुत रिश्तेदारों में भी जहरा मेरे जैतून का सिरका, जी जी जैतून का सिरका बहुत मतलब यहाँ कई बोतल आएगी मेरी, यहाँ तो 200 बोतल नहीं आएगी वो मेरे ख्याल से। और ये गोंसिया खुद भी खा रही और को भी दे रही, बहुत अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा। मैं तो इस तरह लगो भी नया ही जन्म मिल गया मैंने तो। पहले की जिंदगी में आपकी जिंदगी में कितना फर्क लगता है? बहुत फर्क है, आराम है अब आपको? जी, बहुत ज़्यादा। हकीम साहब आपका ये इंटरव्यू सुन रहे हैं और आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं तो हृदय से नमस्कार ही करना चाहूँ, बस भी ऐसे जुड़े ऐसे गुरु ही मिल गए, मतलब एक दूसरे गुरु, एक तो गुरु भगवान का रास्ता भी दिखावा, ये भगवान का भी दिखा रहे और ठीक भी कर रहे दुनिया ने, कितना हृदय से नमस्कार करूँ मैं तो सुलेमान खान जी का। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त हमें देने के लिए, अपने घर हमें आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया आपका। शुक्रिया मैम। तो दर्शकों आप सभी ने सुना अभी कमलेश जी को, जिन्होंने बताया कि कम से कम 50 लोगों की वो मदद कर चुके हैं उन नुस्खों के ज़रिए जो जाने उन्होंने हकीम साहब से। अब वो खुद को भी बेहतर महसूस करती हैं, खुद को भी स्वस्थ महसूस करती हैं और साथ ही साथ उनके जो पतिदेव हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन गौंसिया का इस्तेमाल करके अब वो भी बेहतर हैं। तो अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बस आपको करना क्या है, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम का एक हिस्सा बनना है, एक फैमिली मेंबर बनना है। तो एक बार फिर से मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।